नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों आज हम स्केपुला का साइड डिटरमिनेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्केपुला बोन की पहचान होती है कि फ्लैट बोन होती है, चपटी बोन होती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इजी है। तीन पॉइंट ध्यान रखने आपको अगर स्केपुला का साइड डिटरमिनेशन करना है। सबसे पहले इसके जनरल फीचर आपको याद करने होंगे। जनरल फीचर याद करने के बाद इसका जो इन्फीरियर एंगल है, इन्फीरियर एंगल से बोन को पकड़नी है। अब कैसे पकड़नी है कि ऐसे पकड़नी है, ऐसे पकड़नी है, लेकिन इन्फीरियर एंगल से बोन को पकड़नी है। जब भी आप टीचर के सामने जाओगे तो इन्फीरियर एंगल ये यहाँ से बोन को पकड़नी है, ठीक है। अब आपको पहचान के जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वो लेटरल साइड, यहाँ से पकड़ने के बाद में आपको ग्लेनोइड कैविटी को लेटरल करना है अपने एनाटोमिकल पोजिशन में। हमेशा किसी भी बोन का साइड डिटरमिनेशन करने के लिए स्वयं के एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको सेट कीजिए कि मेरी बॉडी में कैसे लगी हुई है उस बोन को। सर को उसी के एनाटॉमिकल पोजीशन में सर को बताइए कि सर कि ये लेटरल ग्लेनोइड कैविटी लेटरल साइड होती है, ये इन्फीरियर एंगल है जो नीचे की साइड होता है। तो कभी ऐसे मत पकड़ना बोन को उल्टी, सर के सामने हमेशा इन्फीरियर एंगल को नीचे से पकड़ना और ऐसे, और अपने ग्लेनोइड कैविटी को उसको लेटरल साइड पर सेंड करो। दो पोजीशन सेट कर ली अपने, सेट कर ली, एक तो इन्फीरियर एंगल नीचे की तरफ तो वहाँ से पकड़ना है ऐसे बोन को, और ग्लेनोइड कैविटी लेटरल साइड पर, ठीक है। अब तीसरी है कि बोन को देखो, ये ऐसे भी नीचे है और लेटरल भी है, ऐसे भी नीचे है और लेटरल भी है। अब तीसरा पोजीशन क्या है? तीसरा पोजीशन ये है कि जो इसकी सरफेस है, तो टीचर को अपन ऐसे पकड़ेंगे इसको या ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन टीचर को दिखने वाली सरफेस हमेशा कॉनकेव होती है, मतलब कोस्टल सरफेस टीचर को दिखेगी, और जो स्पाइनस प्रोसेस है वाली सरफेस है, जो डोर्सल सरफेस है, ये पीछे अपनी तरफ दिखेगी। सर को ऐसे दिखाएंगे तो अपन को ये पीछे वाला हिस्सा दिखेगा, सर को दिखाएंगे कि हमेशा क्या याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो कोस्टल सरफेस है वो आगे की तरफ रहती है, और जो डोर्सल सरफेस है वो पीछे की, स्पाइनस प्रोसेस हमेशा पीछे की तरफ रहता है। तो अब इसको ऐसे सेट करते हैं, मान लो कि ये लेटरल है, ये इन्फीरियर, तो लेकिन ये अपन देखो, अब ये कोस्टल सरफेस अपन को दिख रही है, मतलब अपन ऐसे दिखाएंगे तो टीचर को दिखेगी ये रॉन्ग है। तो इसलिए करना क्या होगा अपन को कि लेटरल साइड, ये लेटरल साइड है, इन्फीरियर एंगल नीचे की तरफ है, कोस्टल सरफेस है ये, टीचर को ऐसे दिखाएंगे सामने, अपन पीछे खड़े रहेंगे, सर को सर कि ये देखो सर, इन्फीरियर एंगल नीचे की है, ग्लेनोइड कैविटी लेटरल तरफ है, कोस्टल सरफेस आपकी तरफ है, डोर्सल सरफेस मेरी तरफ है, स्पाइनस प्रोसेस पे है, तो सर ये राइट हैंड की है, मतलब राइट स्केपुला है। इसी तरह अब इसको देखते हैं, पकड़ना क्या है इसको, ऐसे पकड़ना है, ठीक है, इसको लेटरल की तरफ करना है। अब इसको मान लो ऐसे पकड़ लेते हैं लेटरल, और तो ये देखो कोस्टल सरफेस जो ये कौन केव है वो अपनी तरफ हो जाती है, और ये मतलब कॉनवेक्स टीचर की तरफ हो जाती है, इसलिए ये अब ऐसे सही है। तो ये स्पाइनस पीछे की तरफ है, इन्फीरियर एंगल नीचे, ग्लेनोइड लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड की है, तो ये बोन लेफ्ट साइड की है, ये राइट साइड की है। अब इसकी पोजीशन क्या होती है? पोस्टीरियो लेटरली होती है इसकी, ऐसे होती है। अब ये देखो पोस्टीरियो लेटरली, स्पाइनस प्रोसेस हमेशा पीछे रहता है। तो तीन बात याद कौन कौन सी रखी अपन ने, इन्फीरियर एंगल से बोन को पकड़नी है, लेटरल ग्लेनोइड कैविटी लेटरल साइड करनी है, और जो कोस्टल सरफेस है जो कॉनकेव है वो हमेशा आगे की तरफ रहती है, और कॉनवेक्स पीछे, जो डोर्सल सरफेस पीछे की तरफ रहती है। डोर्सल सरफेस हमेशा ही पीछे की तरफ रहेगी वो तो है, लेकिन अब टीचर को ऐसे पकड़ देना एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो अपन को ये कोस्टल सरफेस टीचर को दिखानी है कि सर ये ऐसे, ये राइट हैंड की है, ये बोन राइट हैंड की है, ये लेफ्ट हैंड की है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।